कि आपका घर अभी तक बना है कि नहीं बना है? नहीं बना हुआ है, ढलाई भी नहीं हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के सभी गरीब परिवारों को पक्का मकान मिले इसको लेकर के प्रधानमंत्री आवास योजना की शुरुआत की। इस योजना की शुरुआत तो गरीबों के लिए की गई ताकि उन्हें पक्का मकान मिल सके, लेकिन जमीनी हकीकत क्या है ये आज हम आपको अपने इस खास कार्यक्रम में बताएंगे। जमीनी हकीकत देख करके आपके होश उड़ जाएंगे कि किस तरीके से इस योजना में बड़े पैमाने पर गड़बड़ियाँ हो रही है और बिचौलिए जो है वो इसका फायदा उठा रहे हैं। हम अभी मौजूद हैं बुंडू प्रखंड के अमनबुरु गांव है, जहां पर बिरहोर का कॉलोनी है। अमनबुरु में लगभग 45 से 48 फैमिली यहां पर रहते हैं बिरहोर के, और उसमें से लगभग अभी फिलहाल में 12 लोगों को आवास मिला है, लेकिन जो आवास मिला है वो अभी तक पूरा नहीं हुआ है, जबकि कागज और पेपर में कंप्लीट दिखाया जा रहा है। लेकिन हमने हकीकत जानने की कोशिश की इस गाँव में, तो इस गाँव में हमने देखा कि कई घरों के दरवाजे नहीं लगे हैं, कई खिड़की नहीं लगे हैं, प्लास्टर नहीं हुआ है, और कई घर ऐसे हैं कि जिसकी ढलाई भी नहीं हुई है। कि आपका घर अभी तक बना है कि नहीं बना है? नहीं बना हुआ है, ढलाई भी नहीं हुआ है। बुंडू प्रखंड के अमनबुरु गांव की ये तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। इस गांव में अब तक 12 लोगों को आवास मुहैया कराया गया है। कागजातों पर आवास भले ही पूरा हो गया हो, लेकिन उसकी जमीनी हकीकत आप इन तस्वीरों में देख रहे हैं, जो हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। सभी घर अभी तक अधूरे हैं, किसी के दरवाजे नहीं बने तो किसी की खिड़की नहीं लगी है, कई घरों के प्लास्टर तक नहीं हुए हैं, और तो और कई घर ऐसे हैं जिसकी ढलाई भी अब तक पूरी नहीं हुई है। मनोरंजन नाम के किसी ठेकेदार को शीला देवी ने बैंक से निकाल कर अपने सभी पैसे दे दिए, लेकिन 2 साल से ज्यादा का वक्त निकल गया, लेकिन अब तक इस महिला का आवास जमीन पर पूरा नहीं हुआ, लेकिन हाँ कागजातों पर जरूर पूरा हुआ है। शीला देवी एक इकलौती महिला नहीं है, बल्कि इस गांव में और भी कई महिलाएं हैं जिनके घर अब तक अधूरे हैं। अच्छा, ये बताइए कि आप लोग का घर है कि नहीं है? नहीं। कैसे रहते हैं आप लोग? प्लास्टिक लगा के रहते हैं, झोपड़ी में प्लास्टिक बना कर रह रहे हैं। कितना दिन से रह रहे हैं आप लोग ऐसा? 1 साल हो गया। तो वाला टोली में 1 साल रह गए, यहां 2 साल में ही। तो किसका जमीन है? इन लोग का है। आपका अपना नहीं है? नहीं। अच्छा, ये बताइए कि आपका घर अभी तक बना है कि नहीं बना है? नहीं बना हुआ है, ढलाई भी नहीं हुआ है। 1,30,000 करके पैसा, पूरा पैसा टोटल निकल के करके दिए हैं उसको। किसको दिए? मनोरंजन। अच्छा, सब पैसा आपसे ले लिया हो? हाँ। अच्छा, कहाँ जाता था आपके साथ? अच्छा, कहाँ जाते थे? बुंडू। हाँ, बुंडू। हाँ, बुंडू बैंक से वही पैसा ले लेता था। अच्छा, इधर आप लोग बोल रहे हैं कि उसको बनाने के लिए? बोले थे तो बनाने के लिए, तो उन्होंने नहीं बना दिया। नहीं बना दिया है? हाँ। कितना दिन हुआ ये घर बना हुआ आपका, ऐसा अधूरा पड़ा हुआ? वो साल 2-3 साल। अच्छा, 2-3 साल से ऐसे ही है। हाँ। शर्माली देवी, हाँ। आपका घर मिला है? मिला है। मिला है, कम्प्लीट हुआ कि नहीं हुआ है? नहीं हुआ है। पैसा निकाले सब? हाँ, सब निकाले। किसको दे दिया पैसा? मनोरंजन को। फिर घर कंप्लीट नहीं कर दे रहा है? क्या बोल रहा है? तो बता दे, कुछ नहीं बोल रहा है। कुछ नहीं बोलता है? अच्छा, कैसे जाते थे पैसा और कहाँ निकाल के दिए उसको? बुंडू बैंक से वही ले लेता था पैसा। अच्छा, कितना बार दिए हैं? 3-4 बार। आपने जितनी भी महिलाओं को सुना, सभी ने मनोरंजन नाम के किसी ठेकेदार को अपना पैसा दिया, लेकिन उसके बावजूद अब तक उनके घर को पूरी तरह से बनाकर उन्हें नहीं दिया गया है, जिसकी वजह से ये महिलाएं झुग्गी झोपड़ी में रहने को मजबूर है। लेकिन इन सब के बीच इस गांव में एक घर ऐसा भी है जो पूरी तरह से बनकर तैयार है। जब इसको लेकर हमने उस घर में रह रही महिला से बात करने की कोशिश की, तो आप भी उसकी बातों को सुनकर हैरान हो जाएंगे। सुनिए उस महिला ने क्या कहा। अच्छा, ये बताइए कि आपका घर कैसे कंप्लीट हो गया? बाद बाकी सबका अधूरा, आप कैसे कंप्लीट कर लिए? हम तो कर लिए अपने से घर से। अपना घर से पैसा लगाया? पैसा लगा था। अच्छा, आपको जो पैसा मिला था वो किसको दिए?
तो दे दिए मनोरंजन को। अच्छा, कितना पैसा दिया है? 1,30,000। 1,30,000 दे दिया, फिर भी घर कंप्लीट नहीं हुआ? नहीं, अपना से पैसा लगा है। कितना पैसा लग गया आपको इस घर को बनाने में? 60,000 लगा। कहाँ से आया इतना पैसा, कैसे आप ले आए? सावित्री देवी का घर भले ही आपको पूरा बना हुआ नजर आ रहा हो, लेकिन इस महिला ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बन रहे घर को अपने पैसे से बनवाया है। ये भी हैरान करने वाली ही बात है। और सबसे ज्यादा हैरानी इस बात की है कि इस महिला ने भी अपने सारे पैसे मनोरंजन नाम के ही ठेकेदार को बनाने के लिए दिया है, जो कि अब तक पूरा नहीं किया, जिसकी वजह से इस महिला ने अपने जमा किए हुए पैसे से अपने घर को पूरा करवाया। कि आपका घर अभी तक बना है कि नहीं बना है? नहीं बना हुआ है, ढलाई भी नहीं हुआ है। २०१५ में भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना नामक एक योजना की शुरुआत की गई, जिसका लक्ष्य सभी लोगों को किफायती आवास उपलब्ध कराना है। लेकिन इस योजना के तहत कई लोगों को घर तो बना के दिया गया, लेकिन कई लोग ऐसे भी हैं जिन्हें अब तक घर नहीं मिला है। बड़े पैमाने पर इस योजना में गड़बड़ियां देखने को मिल रही है, जिसकी एक बानगी हमने भी आपको बुंडू प्रखंड के अमनबुरु गाँव में दिखाने की कोशिश की। लेकिन इन तस्वीरों को दिखाने के साथ सवाल भी यही है कि आखिर कब तक इसी तरीके से गरीबों के पैसे को बिचौलिए खाते रहेंगे। सरकार काम तो कर रही है, लेकिन उस काम का लाभ ये बिचौलिए गरीबों तक पहुंचने नहीं दे रहे हैं। ऐसे में देखने वाली बात होगी कि लाइफ लगातार की ओर से इस गड़बड़ी का मामला उजागर होने के बाद अब आगे क्या कुछ इस पूरे मामले में कार्रवाई होती है। बिरहोरों के आवाज जितने भी मिले हैं उनका पहले स्थल भौतिक रूप से उसका जाँच कर लिया जाएगा, उसके बाद ही अग्रेतर कार्रवाई की जाएगी। काफी दिन हो चुका है, 2019-20 का है। लगातार उन लोगों को नोटिस भी दिया गया है और निरीक्षण भी किया गया है। अधूरे जब पाए गए थे तो उनको पूर्ण करने के लिए निर्देश भी दिया गया है। ये मनोरंजन महतो कौन है जो सबका पैसा लिया है, जिस तरह से आरोप लगा रहे हैं उन लाभों? उनका क्या आरोप है इसके बारे में तो जानकारी नहीं है, लेकिन वो मनोरंजन महतो स्वयं सेवक के रूप में कार्य करता है। सबका आरोप है कि पूरे पैसा वही निकासी करके ले लिया है, बैंक लाता था पैसा ले लेता था, और उसको जब बोला जा रहा है तो फिर अभी नहीं बना रहा है, क्या कार्रवाई होगी? जैसा कि ज्ञात है, प्रधानमंत्री आवास का जो पैसा है वो लाभुक के अकाउंट में जाता है, और उस अकाउंट से किसी भी बैंक अकाउंट से पैसे निकासी स्वयं खाताधारक ही कर सकते हैं। लेकिन वो लोग दिए हैं मनोरंजन महतो को निकाल के, क्योंकि वो ब्लॉक का स्टाफ है बोल के लिया, बनाएंगे बोल के, तो ऐसे लोगों को फिर क्या कार्रवाई होगी? लाभुक की स्वयं की जिम्मेवारी है कि वो स्वयं अपना घर बनाए जी। ये उनकी भी गलती है कि उन्होंने अकाउंट से पैसा निकाल करके मनोरंजन महतो को क्यों दिया, ये तो जांच करके वस्तु स्थिति की जानकारी ली जाएगी, फिर आगे कार्रवाई की जाएगी। इतनी लेट क्यों हुई कि 3 साल हो गए अभी तक, क्या निरीक्षण कभी नहीं किया गया? बिरहोरों की कॉलोनी है। बिल्कुल किया गया है, और उनको बीच में उनको निर्देश भी दिया गया था कि आप लोग जो पैसे की निकासी हो गई है उस आवास को पूर्ण कर लें। डाटा में कंप्लीटेड दिख रहा है, आखिर कौन डाटा में कंप्लीट दिख रहा है? जांच किया जाएगा। कि आपका घर अभी तक बना है कि नहीं बना है? नहीं बना हुआ है, ढलाई भी नहीं हुआ है। न्यूज अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। बने रहे लगातार.in के साथ।